मिरिक का चाय भी बहुत स्पेशल होता है गाइस। चीयर्स। इसलिए मैंने इसके लिए लिया है ये सिर्फ। दार्जिलिंग का लाफी। To see the train। ये है पूरी। प्लान नहीं था मिरिक आने का, तो सुबह मिरिक लेक। गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस आज मैं आजा को ना दार्जिलिंग टाउन ले जा रहा हूँ बम्बल बी में, एंड ऑफ रोड में आजा का मतलब रिएक्शन देखने वाला लायक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था ना, और ऑफ रोड में बहुत ज़्यादा डर रही थी। आजा मज़ा आया। हाँ ऐसा है, क्या करूँ, रोड ही ऐसा है। हाँ तू बहुत ज़्यादा हिलता है ना, तो बहुत ख़राब है। ये देखो ऑफ रोड में बहुत डर रही थी, अभी तो बहुत मतलब खुश हो रही है। वाह मज़ा आ रहा है करके, है ना। एंड आजा का भी बम्बल भी बहुत फेवरेट है ना, आजा आपका फेवरेट है। चल भरवाना है आजा। बम्बल भी आपका फेवरेट है ना, फुल टैंकी है ना। आजा यार, तो फुल टैंकी करवाना है गाइस। हाँ मैं हाँ दिखाता हूँ ना आजा ब्लॉग में। कंचनजंगा तो देख लिया आपने, है ना। यहाँ से देखो डाली गुम्बा, कंचनजंगा कितना खूबसूरत लग रहा है ना। हाँ शिमला जैसा है ना। हमेशा तो हमेशा तुझे शिमला के याद आता है ना आजा, दार्जिलिंग आके। हाँ शिमला ले जाएगा मुझे। हाँ 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 अभी नहीं, बाद में। ठीक है ठीक है। हाँ 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 ओके। सी द ट्रेन। कस्तो मजा है रेलैमा। तुझे ये गाना गाना था ना ट्रेन के साथ। ट्रेन के साथ ये गाना गाना था ना। कैसा लगा टॉय ट्रेन, अच्छा है ना। तो बोलते हैं कि बिल्कुल शिमला जैसा है, तो मुझे भी शिमला जाने का मन करता है। बोला है कि शिमला लेके जाऊंगा एक दिन, ज़रूर जाएंगे। आई लव टू विजिट शिमला। अगर आप लोग शिमला से प्लीज़ कमेंट करना, क्या दार्जिलिंग आप लोग को शिमला जैसा लगता है या नहीं, ज़रा कमेंट करके बता देना। गुड मॉर्निंग गाइस। आज तो मैंने अपना इंट्रो भी नहीं बोला है ना, तो अभी बोले तो गुड मॉर्निंग गाइस। नमस्ते, दिस इज योर दर्शन तमांग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दर्शन ब्लॉग्स। तो गाइस दार्जिलिंग तो पहुंच गए, लेकिन आप लोगों को पता है दार्जिलिंग मतलब थर्सडे एवरी वी बार बोलते हैं हम, थर्सडे क्लोज होता है। क्लोज तो नहीं, मोस्ट ऑफ द शॉप्स विल बी क्लोज। पता नहीं था, आज ऐसे आ गया। तो चलो आज क्या होते हैं देखेंगे। वैसे ऑफिस बैंक सब कुछ तो खुला ही होगा। एंड मेरा हेयर कट करना है। चलो सबसे पहले बीच गली में जाके चाय पी लेते हैं ना आजा। गुड मॉर्निंग। आज टाउन भी कुछ सुना सुना सा है, क्योंकि थर्सडे की वजह से पूरा दुकानें बंद है ना। लेकिन हमारा हम जो चाय पीने के लिए आया है, चाय तो खाना पड़ेगा। क्या पड़े? हाँ 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 उधर में बुधिया में। हाँ गर्मा गर्म छोले भटूरे, गरम गरम जलेबी बन रहा है। जगह है, जगह है। वाह अच्छा, ये आपका फेवरेट है ना। समोसे बन रहा है, यहाँ पर जलेबी, रसगुल्ला एंड ये है पूरी। तो चलो गाइस सुबह सुबह चाय वाय पी लिया। अभी हम जा रहे हैं टाउन में। चाय और मैंने खजूर वो मिठाई खाया। लेट्स गो। अभी कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अभी घूमने, गोलगप्पा खाने। गोलगप्पा खाने जाएंगे। गोलगप्पा, पानी पूरी, स्पेशल स्पेशल पान। पान बट आई नेवर ईट पान। आई डोंट लाइक पान। मुझे पान बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस, जिसमें सुपारी होता है ना, गुटखा वगैरह, उसमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं गोलगप्पा खाने के लिए, शायद ऊपर। मम्मी ने बोला दीदी यू वांट या दवा का बेबी ऐसे, तो ये सब ग्रेवी वाला ये से अब यहाँ मिला मेरे को। 500 में मिलेगा। अच्छा वो जो छुट्टी के साथ खरीदते हैं वो ये आज बंद है, नहीं अभी ले लेंगे ना, बाद में मिलेगा नहीं, मिलने तो मिलेगा बाद में, लेना है क्या अभी लेना है? हाँ ये दावा का फेवरेट है ना, तो दावा आई एम गोना सेंड यू दिस वन आल्सो, ये भी है, उसको फोटो भेजूंगा ना कौन कौन सा चाहिए। यहाँ पर यूएस में ऐसा नहीं मिलता है, इसलिए आ जाना अपने बहन के लिए, दावा के लिए ले जा रहे हैं। दावा के लिए आज हम लोग दावा के लिए शॉपिंग करने आए ना। चलो चाहिए ज़्यादा नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। ये देखो यहाँ पर बहुत सारे होलसेल मार्केट हुआ करता था ना, अभी बंद है क्योंकि थर्सडे ऐसे होता है पूरा सन्नाटा वाला। This one I need to send to दावा। हम लोग कुछ देखने के लिए थे यहाँ पर, उसमें तो मुझे ना ये एक टी शर्ट मिला, जहाँ पर देखो मेरा बम्बल बी जैसा सेम बाइक है, लेकिन थोड़ा सा साइज़ मुझे बड़ा चाहिए था, लेकिन बड़ा नहीं मिला, बट इट्स ओके क्योंकि मेरा थोड़ा सा पेट है ना, तो इसीलिए इसके लिए अभी जिम करके पेट को अंदर करना पड़ेगा, लेकिन इट्स लुकिंग गुड ना आजा। आई लव दिस, एक्चुअली मैंने इसके लिए लिया है ये, सिर्फ बम्बल बी के येलो टी शर्ट पहना हो ना। हम पहुंच गए यहाँ पर, अभी चौरास्ता आ गए एंड आई जस्ट हैड अ सिंपल हेयर कट और बहुत ही फ्रेश फील कर रहा हूँ। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंड है अभी, गर्म गर्म होके अभी हम जा रहे हैं पानी पूरी खाने के लिए। हैदराबादी आजा का फेवरेट प्लेस आ गया पानी पूरी वाला। एक्चुअली ना आज हमें मिलने नहीं, पानी पूरी वाला को मिलने के लिए आए हैं, बार बार पानी पूरी वाला के पास जाना है जाना है बोला। हाँ सच्ची 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 बोला, सच्ची सच्ची बोला। हिंसा हिंसा हाँ हिंसा हिंसा। वाओ लुक एट। सो गाइस चौरास्ता का माहौल ही अलग होता है, जब भी मैं चौरास्ता आता हूँ ना इट गिव्स मी अ गुड वाइब्स लाइक गुड मोमेंट्स नो, हैप्पी लाइक पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर सब लोग हैप्पी होते हैं, एंजॉय करते रहते हैं ना, बहुत ही मज़ा। गाना वाना बज रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा शायद, बंद करना पड़ेगा। चलो गाइस फाइनली अभी पानी पूरी खाने को मिल रहा है, भैया स्पेशल वाला। आजा विल मिस पानी पूरी ना, आजा फिर बनाए भैया डल्ले त भक्को हाले जस्तो लाग्यो म त। मिर्च है, मिर्च कम कर दो मिर्च, ठीक है ठीक है, बढ़िया है। ओह माय गॉड पानी पूरी बहुत तीखा बनाया था आज भैया ने, लेकिन बहुत अच्छा था, टेस्टी था, मज़ा आया। आजा तो होश में जाने फिर छोड़ना। आजा कैसा लग रहा है चौरास्ता में आके? हाँ कैसा लग रहा है? ए बंद कर अभी अभी आराम से बोल। ये देखो आज तो हम लोगों ने लंच भी नहीं किया, सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा किया था ना, इसलिए उतना भूख भी नहीं लग रहा है। आपको भूख लग रहा है? नहीं ना, तो इसीलिए अभी हम जा रहे हैं। आजा बोल रहे हैं कि मिरिक जाना है मिरिक जाना है, तो आजा भी कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों में फिर वापस चले जाएंगे ना, इसलिए टाइम भी ज़्यादा नहीं है। तो मैं सोचा कि हाँ मिरिक जब जाएंगे फिर बाइक में, तो है ना बाइक में जाके फिर वापस आ जाएंगे। तो चलो मिरिक भी थोड़ा सा मिरिक का दर्शन करवा लेते हैं एंड देन वेलकम। आजा को ना अभी लाइविंग खाना है क्योंकि सी लव्स लाइविंग एज वेल, एंड ये एक्टिविटी डिश है, मैंने मजनू टीला में ट्राई किया था। यहाँ पर भी मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, ये वीडियो बहुत ही अच्छा गया था ना, तो जब स्ट्रीट फूड में आज भी हम ट्राई करेंगे लैपिंग बहुत दिन के बाद। उस टाइम भी शायद मैंने विंटर में किया था, नॉर्मली मैं खाता रहता हूँ, लेकिन व्लॉग मैंने उस टाइम बनाया था पहला। आजा ने देखा था ना मैंने यहाँ पर लैपिंग खाया था, हाँ इसलिए आजा भी खा रहे हैं। तो चलो टेस्ट कर लेते कैसा। दार्जिलिंग का लैपिंग फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ अभी यहाँ। ग्रीन भी होता है, ग्रीन लैपिंग भी होता है, मैंने कभी नहीं खाया ग्रीन लैपिंग। साग का या पालक? ओके पालक का ना, ओके साग का। 신부도 무슨 नहीं MSG नहीं है इसमें। शिम्बू दूध जब हम जा रहे हैं मिरिक की तरफ, थोड़ा लेट निकला हूँ, जल्दी जल्दी जाके आना पड़ेगा। आज ने मिरिक का नाम बहुत सुना है ना, तो मिरिक जाना है बोल रहा था, तो मिरिक लेक का दर्शन करवा के आते हैं। आजा सरस्वती पूजा का चंदा कुन गाउँ गैरी चोक वेयर आजा यू गिव 500 रुपीज। नाम के हो? दीपशिका बहिनी को त्यो सरस्वती माता जस्तो रहेछ। या थैंक यू। चिनेन चासमा कलेन चिन्छ। ल सरस्वती पूजा भी आ रहे हैं गाइस। जय सरस्वती माता। ल बाय बाय। नाक से पानी निकल रहा है आज, ठंडी इतना है ना। और गाइस अभी हम पहुंच गए हैं सीमाना नेपाल। आजा दिस साइड इज नेपाल, दिस साइड इज इंडिया। हाँ दिस इज ऑल नेपाल, दिस साइड यू सी दिस पिलर दैट इज नेपाल। नेपाल इंडिया का बॉर्डर ऐसा है यहाँ पर। छू 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 नेपाल ये बॉर्डर है ना। यहाँ से बाइक एंटर किया तो नेपाल। नहीं अभी हम इधर जाएंगे ना यहाँ। हाँ ये दिस इज नेपाल बॉर्डर। यू गॉट इट। यहाँ से मिरिक हम लोग एंटर कर चुके हैं, लेकिन देखते देखते अंधेरा हो गया गाइस। अभी विंटर्स है ना शायद, इसलिए बहुत ज़्यादा अंधेरा जल्दी हो गया। अभी 5 भी नहीं बजे गाइस, सच में देखो अंधेरा हो गया। आजा अब कब घूमेंगे क्या करेंगे, अंधेरा हो गया। भूख लग रहा है, पहले खाना खाएंगे उसके बाद देखेंगे क्या करना है। चलो घर में फ़ोन भी नहीं किया, अभी फ़ोन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक्चुअली ना दार्जिलिंग टाउन के लिए आए थे। फिर अचानक से आजा को मिरिक जाने का मन हुआ, फिर हम लोग मिरिक आ गए। तो टाइम भी अभी 5 लगभग बज गए एंड अंधेरा सा हो रहा है। फिलहाल हम पहुंच गए मिरिक लेक एंड रास्ते में रुके, चाय पिए। बहुत ज़्यादा लेट हो गया ना इसलिए, क्योंकि हाथ ठंडा हो रहा था। मैंने हाथ बहुत सेकाया आँख में एंड GoPro का बैटरी भी थोड़ी देर चार्ज किया और अभी हम पहुंच गए हैं मिरिक लेक। तो चलो यहाँ पर अभी घर में फ़ोन नहीं किया, क्योंकि हमारा प्लान नहीं था मिरिक आने का, तो अनसडन प्लान हो गया मिरिक आने के लिए। तो चलो अभी यहाँ पर देखेंगे, शायद स्टे करना पड़ेगा। अभी मम्मी को फ़ोन किया और मॉम गाली कर रहे हैं, इतना रात को टाइम निकल के चलना था। आजा को ठंड लग रहा होगा बोल रहा है। आ जाओ ना, यहाँ पर पूछना पड़ेगा रिसेप्शन का। गुड मॉर्निंग गाइस, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड अभी मिरिक में हूँ। आप लोगों को पता है कल रात ना मिरिक में ही स्टे करना पड़ा था एंड दिस वाज द होटल। हमने के लिए बहुत होटल सर्च किया, लेकिन फाइनली ये होटल प्रधान होटल में बहुत ही अच्छा रूम, वहाँ पर वो विंडो साइड का रूम मिला था एंड व्यू भी काफ़ी अमेजिंग है। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पर ऐसे घूम के आया, वहाँ पर लेक साइड में बहुत ही अमेजिंग। सुबह तो कितना गाइस इतना अच्छा है ना, यहाँ का माहौल बहुत फ्रेश एंड सुबह बहुत लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक पे भी आते हैं, बहुत ही अच्छा था। अभी तो टाइम भी ऑलमोस्ट 10 बज गए। तो चलो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड निकलते हैं। मैंने बम्बल बी को शाम को यहाँ पर पार्क कर दिया था, एक्चुअली उन्होंने ये होटल के अंदर ही डाल दिया था, तो बम्बल बी भी सेफ है। चलो बैल्कनी भी है, यहाँ से मिरिक लेक एकदम सामने में दिखता है एंड यहाँ पर हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी आए थे मिरिक में, है ना भाई। हाँ यहाँ पर भी दिखा दो। आजा हेलो गुड मॉर्निंग। हम तो पूरा लेक घूम के आ गए, ये देखो गाइस। हाँ लेक घूम के आ गए। मिरिक का चाय भी बहुत स्पेशल होता है गाइस। चीयर्स। फिर रात में पूरा होटल ढूंढा, वहाँ पर जाया। फिर आजा को तो वहाँ पर गया ना, फिर आजा को रूम अच्छा नहीं लगा। फिर ढूंढते ढूंढते कितना बजा था आजा, ऑलमोस्ट 7 बज गया था। तो अभी हम यहाँ पर मिरिक में थोड़ा बहुत घूमेंगे, वहाँ पर लेक साइड में तो सुबह घूम लिया एंड आजा को अभी थोड़ा बहुत घुमाएंगे एंड अभी जल्दी घर भी जाना है क्योंकि घर में बहुत सारा काम है एंड यहाँ पर हमारे बहुत सारे दर्शन ब्लॉग्स फैमिली कल शाम भी आया था एंड इट वॉज अ नाइस स्टे इन दिस प्रधान होटल, बहुत ही अमेजिंग एंड रूम भी काफ़ी अच्छा था, स्पेशली व्यू काफ़ी अच्छा था रूम से ना एंड वी रियली हैड अ गुड टाइम। यहाँ के स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया। भैया सुबह सुबह मिरिक लेक घूमने के लिए आए हैं। ये देखो, जाना है बोटिंग के लिए? नहीं जाना है ना, अभी बाद में जाएंगे, टाइम नहीं है। ब्यूटीफुल मिरिक लेक, मिरिक झील। हर्साइडिङ गर्नुहुन्न? हर्साइडिङ हर्साइडिङ नगर्ने अहिले हुन्छ। यु वान्ट हर्साइडिङ? डर लगता है। चलिए चलिए हम लोग जाएंगे तो है ना, गाइड हुन्छ नि एकजना। Wow. Huh? No, I don't want. Yeah, go and make some reels then. आज एक सेल्फी ले रहे थे। सुबह सुबह मिरिक लेक पहुँच गए। फ्रेश फ्रेश हवा, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है गाइस, मजा आएगा। वहाँ पर देखो मोनेस्ट्री भी है ऊपर, बहुत अच्छा मोनेस्ट्री। हवा चले सिरिरी रे, जो गुड मॉर्निंग कालू। अच्छा नेपाली नेपाली ड्रेस है तो एक्चुअली नेपाली ड्रेस नहीं है, ऐसे इसको कुछ ऐड करके बना है ना, तो ये है, आपको पता है ये फोते ये लगा के ना यहाँ पर लेक में हॉर्स के साथ ऐसे के साथ फ़ोटो खींचते हैं, रेंट में देते हैं ऐसे। ये देखो ये नेपाली दौरा सुराल, ये लड़का का होता है ऐसे कुकुरी के साथ। निकलते हैं अभी, अच्छा आराम से बैठना अच्छे से। जाना है सीधा घर टू दार्जिलिंग। रास्ता काफ़ी छोटा है गाइस, ये देखो वन वे रोड है ये, और काफ़ी छोटा कंजेस्टेड टाइप का रास्ता है। मिरिक ना बाइक राइड में आने का मज़ा ही है। मिरिक लेक तो आपको देखने को मिलेगा, मिरिक का साइट सीन बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा तो आपको रोड व्यू एंड रोड भी काफ़ी अच्छा है। राइडिंग का फील बहुत ही अमेजिंग होगा गाइस सच में। तभी हम लोग पहुंच गए घर और हमारे चिल्लर पार्टी देखो पूरा पीछे पीछे आ रहे। चिल्लर पार्टी फुटबॉल खेलने लोगों को। हेलो हेलो नंबर 10 ब्राज़ील फैन, अर्जेंटीना फैन, कौन से फैन हो? कोई तो छो फ्रांस हो कि कौन से हो? मैनचेस्टर यूनाइटेड। हेलो डैडी जी, खाना जा रहे हो? गाड़ी कहाँ रखे हो? गाड़ी माथि ल आउँदैछु। फुटबॉल टीम हमारे मम्मी जी की दुकान में घुस गए देखो। लो चिल्लर पार्टीलाई, चिल्लर पार्टी को सब लोगों को दे दो, क्या क्या दे दो। ये आजा की तरफ से वोंगडू के बर्थडे है इसलिए ना नहीं खेलेगा, दिन भर खा के बैठेगा। लो ये भी 11 11 एक ले लो सीटो। बाय बाय बाय। अब ये लोग फुटबॉल नहीं खेलेगा, दिन भर खाएगा।